बहुत कम से कम। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत बहुत पूरे सदन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि यद्यपि बहुत छोटा बिल था और जो आवश्यकता के हिसाब से लाया गया था, पर सदन के 28 माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे। इससे समझ में आता है कि कृषि के प्रति हम सब की रुचि कितनी है, और ये समझ में भी आता है कि मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि 2022 तक हम किसान की आय को दोगुना करना चाहते हैं, तो उसके तहत जो कदम उठाए जाने जा रहे हैं, उसके तहत ये उसका एक प्रमुख कदम है, और उसी के लिए यहाँ पर हम सब लोग आपके बीच में हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इससे पूर्व नाबार्ड का संशोधन बिल 2013 में लोकसभा में पेश किया गया था, जो वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति को रेफर किया गया था, पर उसकी रिपोर्ट फाइनल नहीं हो पाई और उससे पहले लोकसभा भंग हो गई, तो इसलिए जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बिल आना चाहिए था वो अभी नहीं आ पाया। इसलिए बहुत सारी बातें जो सदस्यों ने यहाँ पर सुझाव के रूप में बताई हैं, जो उससे संबंधित हैं, जब पूरी स्टैंडिंग कमेटी के सामने जब बिल जाएगा, उसके हिसाब से बात होगा, तो फिर उसके उसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। और आज हम आपके सामने इस बात को लेकर आए कि किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण संशोधन जो हम लोगों ने प्रस्तावित किए हैं, इसके साथ किसान को सुविधा भी बढ़ेगी और किसान को इसमें लाभ भी मिलेगा। मैं कोई बहुत अधिक बोलने यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ हूँ, शुरुआत में मैंने कुछ बातें आपके सामने की थी और सदन को बताया था। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 2009-10 में जहाँ कृषि को दिए गए लोन दिया गया लोन 3,25,000 करोड़ था, वो 16-17 में बढ़कर 10,65,000 करोड़ हो गया। मैं यहाँ पर एक और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जहाँ 2014-15 में 6,000 करोड़ की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी गई थी, वहाँ वो सब्सिडी अब इस 16-17 के वर्ष में 12,05,000 करोड़ दी गई है। ये सब्सिडी निरंतर बढ़ रही है और हम इसके हिसाब से काम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि किसान को कहीं पर भी किसी प्रकार की असुविधा न हो। मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब्सिडी कौन सी है जो बैंकें 7% लोन लेती हैं और समय पर भुगतान करने पर 3% की छूट मिलती है, तो वास्तव में केवल 4% किसान को देना पड़ता है सब्सिडी। ये 3% वाली वो है जो इस वित्तीय वर्ष में 12,558 करोड़ दी गई थी, 12,05,000। तो ये समझ में आता है कि वास्तव में सरकार कितनी संवेदनशील है और किसके हिसाब से काम कर रही है, और इसीलिए ये संशोधन हम लोग लेकर आए कि इन संशोधन के साथ किसान की समस्या का अध्ययन कर सकें और उसके हिसाब से इस बात को आगे लाने का काम कर सकें। मैं आपके माध्यम से सदन को ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे हमने इसमें कुछ चीज़ जोड़ने का काम किया है, हम इस बात को समझते हैं कि, और जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि कहीं आपके बैंक का कॉरपोरेट बैंक का काम तो नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नाबार्ड अगर सपोर्ट करेगी तो कृषि पर निर्भर इंडस्ट्रीज को ही सपोर्ट करेगी, इसके अलावा ऐसा काम नहीं करेगी। उन कामों को सपोर्ट करेगी नाबार्ड जहां पर कृषि से जुड़ा हुआ काम होगा, और इसके हिसाब से हम मिलकर काम भी करेंगे और उसको हिसाब से बढ़ा। मैंने आप जैसा अभी बताया आपको कि अगर 2014-15 में ये सब्सिडी 8,00,000 करोड़ थी, वह बढ़कर 16-17 में 10,65,000 करोड़ हो गई, और ये निरंतर बढ़ रही है, और इसके हिसाब से हम इस चिंता कर रहे हैं और उसी के हिसाब से आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। मैं ऐसा है कि लोन जो हमने लोन दिया है, जो किसान से 7% जो लोन लिया जाता है लोन के ऊपर, उसमें 3% की 3% जो है उसकी राशि मैंने आपको बताई कि इतनी है,
और ये वास्तव में ये लगातार बढ़ रही है, ये राशि लगातार बढ़ रही है, उसके हिसाब से हम सब लोग काम कर रहे हैं। लोन 10,65,000 करोड़ दिया गया और सब्सिडी 12,000 करोड़ दी गई। ये हमारे संज्ञान में आना चाहिए और पिछले वर्षों में ये लगातार बढ़ रहा है, ये समझ में भी आ रहा है। और ये इसीलिए इसी बात को लेकर यहाँ पर हम आए कि अब अगर ये बिल इसलिए लेकर आए कि जल्दी जल्दी इस काम में आगे बढ़ सके, उसको आगे ले सके। बाकी मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो बातें बताई आपने उन बातों पर हम लोग विचार भी कर रहे हैं, और जब अगला पूरा बिल आएगा तो उसके अंदर इसमें शामिल करके उसके हिसाब से बात करके इसको पास करने का भी काम करवाएंगे। मैं बहुत अधिक बोलने यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ, मेरा आपसे आग्रह है कि सारे सदस्यों ने जो सारी बातें बताई हैं वो सारी बातों को हम लोगों ने संज्ञान में लिया है, और उसके हिसाब से कैसे इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर सकें, हम लोग उसके हिसाब से बात और विचार कर रहे हैं।